चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में माँ गंगा नदी पर स्थित घटिया घाट अथवा पांचाल घाट, घाट पर बने सेतु से गुजरने वाला बरेली अथवा शाहजहांपुर को बेवर होकर इटावा ग्वालियर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, दक्षिण की ओर बेवर मार्ग नेकपुर 84 रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर गुजरता है, जिसके पूर्व में फतेहगढ़ एवं पश्चिम में फर्रुखाबाद शहर बसा हुआ है। पश्चिम में फर्रुखाबाद की ओर बढ़ते हुए मुख्य सड़क आधुनिक आवासीय क्षेत्र आवास विकास बढ़पुर से होते हुए गुजरती है। महाभारत काल में यह क्षेत्र दक्षिण पांचाल राज्य का भाग था, जिसकी राजधानी आज के फर्रुखाबाद जनपद के कंपिल में स्थापित थी। इसी स्थान पर द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया गया था। यहाँ केंद्रीय कारागार, सैन्य छावनी इत्यादि स्थापित हैं। पश्चिम में फर्रुखाबाद की ओर बढ़ते हुए फर्रुखाबाद के रोडवेज बस डिपो से साक्षात्कार होता है, जहाँ से दूर दराज एवं आसपास के शहरों हेतु बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। बस स्टैंड से उत्तर पश्चिम में बेहद व्यस्त चौराहे लाल दरवाजा चौक से साक्षात्कार होता है। इस महत्वपूर्ण चौराहे पर उत्तर पूर्व की ओर कादरी गेट की ओर एवं दक्षिण पश्चिम में ठंडी सड़क प्रारंभ होती है। उत्तर पश्चिम का मार्ग लाल सराय के रूप में मुख्य शहर में प्रवेश करता है। फर्रुखाबाद क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका परिचय कैसे दिया जाए? यूपी 76 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत जनपद फर्रुखाबाद शहर का निर्माण 1710 ईस्वी के लगभग मोहम्मद खान ने मुगल सम्राट फर्रुख शेर के नाम पर कराया था। 1803 में जिला प्रणाली लागू होने पर फर्रुखाबाद को जिला घोषित किया गया एवं फर्रुखाबाद, कायमगंज, छिबरामऊ और कन्नौज चार तहसीलों में जनपद को विभाजित किया गया। लालसराय, लिंजीगंज, त्राह इत्यादि से होते हुए नितगंजा बाजार में प्रवेश करता है, जहां शहर का एक मुख्य चौराहा घूमना चौक नजर आता है। घूमना चौराहा महत्वपूर्ण चौराहा है। यहां दक्षिण पश्चिम में जाने वाला घूमना बाजार हनुमान मंदिर होकर आईटीआई चौराहा की ओर निकल जाता है। घूमना चौराहा पर ही ऐतिहासिक सुभाष गेट स्थित है। यहाँ उत्तर पूर्व में एक मुख्य सड़क कोतवाली फर्रुखाबाद के परिसर से होकर साहिबगंज चौराहा की ओर निकल जाती है। घूमना चौराहा से उत्तर पश्चिम में प्रारंभ होने वाला नेहरू रोड शहर के मुख्य बाजारों में पहचाना जाता है। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ संयुक्त नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 3,90,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 20वां एवं कानपुर मंडल में कानपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। नेहरू मार्ग पर आगे बढ़ते हुए फर्रुखाबाद शहर का दिल घंटाघर चौराहा दिखाई पड़ता है। घंटाघर चौराहा फर्रुखाबाद शहर का केंद्र बिंदु है। यहाँ दक्षिण पूर्व में आने वाला नेहरू रोड उत्तर पश्चिम में किराना बाजार के रूप में पहचाना जाता है। दक्षिण पश्चिम में रेलवे रोड एवं उत्तर पूर्व में एक मुख्य सड़क लोहाई रोड के रूप में प्रारंभ होती है, जो उत्तर में नक्काश पुलिस चौकी एवं पूर्व में कादरी गेट से जोड़ती है। उत्तर पश्चिम में किराना बाजार फर्रुखाबाद के मुख्य बाजारों में एक है। फर्रुखाबाद जनपद की दो तहसीलों छिबरामऊ एवं कन्नौज को 1997 में विभाजित करके कन्नौज जनपद का सृजन किया गया था। वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद में तीन तहसीलें कायमगंज, अमृतपुर एवं फर्रुखाबाद संचालित हैं। किराना बाजार आगे बढ़ते हुए पक्का पुल क्षेत्र से गुजरता है एवं तिकोनिया पुलिस चौकी से होकर रकाबगंज में प्रवेश कर जाता है। तिकोनिया पुलिस चौकी से दक्षिण पश्चिम में एक मुख्य सड़क बजरिया के रूप में कायमगंज रोड से जोड़ती है। आगे बढ़ते हुए रकाबगंज चौराहा से पश्चिम में जाने वाली सड़क मऊ दरवाजा होकर भीकमपुर से होते हुए कायमगंज रोड से जुड़ जाती है। रकाबगंज चौराहा से उत्तर पश्चिम की ओर तहसील सदर एवं टाउन हॉल स्थित हैं। टाउन हॉल नगर पालिका कार्यालय का निर्माण 1869 के लगभग किया गया था। घंटाघर चौराहा से दक्षिण पश्चिम में प्रारंभ होने वाली सड़क रेलवे रोड फर्रुखाबाद शहर के बेहद मुख्य एवं आधुनिक बाजारों में गिनी जाती है। यह सड़क घंटाघर चौराहा से रेलवे स्टेशन तक लगभग 1200 मीटर की लंबाई में फैली हुई है। फर्रुखाबाद शहर को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तीन थाना क्षेत्रों कोतवाली फर्रुखाबाद, कोतवाली फतेहगढ़ एवं थाना मऊ दरवाजा में विभाजित किया गया है।
रेलवे रोड से अनेकों मुख्य बाजार भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पूर्व समय में कुल 5 सिनेमाघर भी संचालित होते थे, जिनमें अब रेलवे रोड पर मात्र एक सिनेमाघर सिल्वर शाइन सिनेप्लेक्स ही संचालन में है। रेलवे रोड अपने दक्षिणी छोर पर रेलवे स्टेशन चौराहा पर पहुंचता है, जहां पश्चिम में एक सड़क कायमगंज मार्ग की ओर एवं पूर्व में एक सड़क रेलवे स्टेशन रोड के रूप में पहचानी जाती है, जहां फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थापित है। इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन से एक रेलमार्ग मैनपुरी जंक्शन, एक रेलमार्ग कासगंज जंक्शन एवं एक रेलमार्ग कानपुर की ओर प्रस्थान करता है। स्टेशन रोड 1 किलोमीटर सफर तय करके रेलवे फाटक के निकट ठंडी सड़क से जुड़ जाता है। ठंडी सड़क फर्रुखाबाद की मुख्य सड़कों में एक है। यह महत्वपूर्ण सड़क बेवर रोड को लाल दरवाजा चौराहा से जोड़ती है। इस महत्वपूर्ण सड़क पर अनेकों आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तेजी से विकसित हो रहे हैं। यह सड़क ITI चौराहा से होकर गुजरती है। नेकपुर 84 ऊपरगामी सेतु से पूर्व में फतेहगढ़ क्षेत्र बसा हुआ है। फतेहगढ़ में मुख्य चौराहा फतेहगढ़ चौराहा के रूप में पहचाना जाता है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से पश्चिम की ओर की सड़क फर्रुखाबाद रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो बेवर चौराहा, नेकपुर 84 आवास विकास होकर फर्रुखाबाद मुख्य शहर से जोड़ती है। फतेहगढ़ चौराहा से उत्तर में फतेहगढ़ छावनी का क्षेत्र स्थित है। यह सड़क आगे चलकर घटियाघाट क्षेत्र से जोड़ती है। फतेहगढ़ चौराहा से पूर्व में जाने वाली सड़क को फतेहगढ़ बाईपास के रूप में भी पहचाना जाता है। इसी मुख्य मार्ग पर जिला स्तर के तमाम कार्यालय स्थापित हैं। यह सड़क दक्षिण की ओर घूमकर दुर्गा नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय से होकर जिला अधिकारी फर्रुखाबाद के कार्यालय एवं जिला न्यायालय से होते हुए गुजरती है। यह मार्ग दक्षिण में जिला जेल चौराहा पर पहुंचता है, जहां दक्षिण की ओर सड़क कानपुर की ओर एवं पश्चिम की सड़क सेंट्रल जेल होकर बेवर रोड से जुड़ जाती है। जेल चौराहा से उत्तर में जाने वाली सड़क कानपुर रोड के रूप में ही पहचानी जाती है। इस मुख्य सड़क पर फतेहगढ़ का मुख्य आबादी क्षेत्र बसा हुआ है। यह सड़क लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में जिला जेल चौराहा से फतेहगढ़ मेन चौराहा तक विशाल आकार में फैली हुई है। फतेहगढ़ के मध्य में कोतवाली तिराहा स्थित है, जहां कोतवाली फतेहगढ़ का प्रशासनिक भवन स्थापित है। यहां से पूर्व में एक सड़क कानपुर बाईपास पर जिलाधिकारी कार्यालय के निकट जोड़ती है। कोतवाली से उत्तर की ओर फतेहगढ़ का मुख्य बाजार स्थित है। फतेहगढ़ में भी तेजी से व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। फर्रुखाबाद जनपद के सभी जिला स्तरीय कार्यालय एवं सैन्य छावनी फतेहगढ़ क्षेत्र में स्थापित होने के कारण यहां विकास तेज गति से हुआ है। यह सड़क कानपुर रोड के रूप में ही पहचानी जाती है, जो अपने उत्तरी छोर पर फतेहगढ़ चौराहा पर जोड़ देता है। फर्रुखाबाद शहर में आना और इस खूबसूरत शहर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए गौरवमय एहसास था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फर्रुखाबाद पर बनाई यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो आपके हृदय एवं फर्रुखाबाद जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।